हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो गूगल शीट को लेकर के है। और गूगल शीट में आज आपको बताऊंगा एक खास फॉर्मूला जो कि आपने एक्सेल में भी शायद सीखा होगा, यहाँ पर इसको कैसे यूज करेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ये तो गूगल शीट है और यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा नेम ऑफ स्टूडेंट और यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा मार्क्स। तो ये एक सब्जेक्ट के मार्क्स है, आपके पास हो सकता है कई सब्जेक्ट हो। फिलहाल इसको निकालते हैं। तो यहाँ पर हमें रैंक कैलकुलेट करना है, तो हम यहाँ पर एक हेडिंग दे देते हैं रैंक। ठीक है, ये रैंक दे दिया ऊपर हेडिंग, और इसका भी कलर सेम रखने के लिए हम ये फॉर्मेट कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ से आप चाहे तो फॉर्मेट पेंट फॉर्मेट का यूज करके फॉर्मेट कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पे रैंक आ चुका है। अब क्या करना है, इज इक्वल टू लगाना है। इज इक्वल टू सिंपली लगा लेने के बाद आपको क्या करना है, रैंक का फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ पे रैंक लगाइए, आर ए एन के। ठीक है, रैंक लगाया, टैब बटन प्रेस कर दीजिएगा। कीबोर्ड में आपको एक टैब नाम का बटन मिलेगा, टैब प्रेस कर देने से ये ब्रैकेट अपने आप ओपन हो जाता है। ठीक है, अब जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा तो सवाल ये है कि पहला वाला यानी इसको आपको सेलेक्ट करना है, यानी 23 जो लिखा हुआ है इसका सेल एड्रेस है C4। तो या तो C4 आप टाइप कर दीजिए, कीबोर्ड से C4 लिख दीजिए आपको दिख रहा है तो, अदरवाइज आप यहां से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सेलेक्ट करके कॉमा लगाइए, और जैसे ही कॉमा लगाते हैं ना, कॉमा लगाने के बाद फिर वापिस से ये पूरी रेंज आपको सेलेक्ट करनी है। ठीक है, रेंज सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको फिर कॉमा देना है। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि यहां पर क्या दिया जाए। तो देखिए, दो क्राइटेरिया है। अगर आप ये चाहते हैं कि सबसे ज्यादा नंबर वाले का रैंक पहले आए, फिर उसके बाद उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे करके आए, तो यहाँ पे 0 देना है। और ठीक इसका उल्टा चाहते हैं तो 1 देना है। तो फिलहाल तो हमें 0 ही देना है, क्योंकि हम तो हाईएस्ट रैंक वाले को ऊपर चाहते हैं। तो ये 0 दे दिया है, ब्रैकेट को क्लोज करके प्रेस करना है एंटर। तो यहाँ पे देख सकते हैं रैंक 4 आ चुका है, ये देख लीजिए। ठीक है, आ चुका है। अब इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहां पर ड्रैग करने पे देखेंगे कि ये रैंक जो है ऑटोमेटिक जनरेट हो गया, यानी जो भी रैंक जिसका रहा उसका रैंक जनरेट हो गया है। अब हमको ये पता करना है कि रैंक सही आया है कि नहीं आया है। तो एक बार चेक करते हैं, यहां पर सबसे ज्यादा मार्क्स इसमें कितना है। ये छोटी सी रेंज इसीलिए ली गई है कि इसमें सबसे ज्यादा और सबसे कम मार्क्स आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, आपके पास बड़ी रेंज होगी तो उस पर यह फॉर्मूला इजिली अप्लाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यहां पर 70 मार्क्स जो है सबसे ज्यादा मार्क्स है। ठीक है, इनका रैंक क्या है, 1 आया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे रैंक भी यहाँ पे शो कर रहा है, रैंक 1 आया हुआ है। तो ये रैंक 1 आपको दिखाई ही पड़ रहा होगा। इसके बाद जो है सबसे ज्यादा मार्क्स है 55, तो यहाँ पे रैंक 2 शो कर रहा है, जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, इजी है। इसके बाद जो है सबसे ज्यादा मार्क्स है 45, देखिए यहाँ पे 45 को 3 रैंक मिला हुआ है, देख ही सकते हैं आप। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है 23 है भाई, 23 ही है और दो बार 23 है, देखिए कि यहां पर भी है और एक यहां पर भी है। तो दोनों को कौन क्या मिला हुआ है, रैंक 4 मिला हुआ है, दोनों ही को रैंक 4 मिला हुआ है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, दोनों ही को क्या मिला है, रैंक 4। तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, देखिए यहां पे दोनों ही को रैंक 4 मिला हुआ है, बाकी को 6 मिला हुआ है। अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करते हैं, जैसे ये 23 को आपने बना दिया 33, तो भी यहां पे देखिए, यहां पे एंटर करेंगे तो ये 4th रहेगा, लेकिन तब यहाँ पे 23 वाला 5th पे चला जाएगा, यानी दो बार 23 जो आया था वो चेंज होता रहेगा, ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा। अगर आप रैंक कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे 71 कर दिया हमने, तो ये बन जाएगा रैंक फर्स्ट और ये ऑटोमेटिक बन जाएगा रैंक सेकेंड। तो गूगल शीट में ये फॉर्मूला काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, और इसको आप बड़े तौर पर भी कर सकते हैं यूज। ठीक है, तो इसको और भी ज्यादा ब्रॉड वे में कैसे करना है ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक ये बात समझ में आ ही गई होगी कि इसको कैसे आपको यूज करना है। ठीक है, बड़े आसानी से यूज हो जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।